चलो वापस ले आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिलाद वेलफेयर फाउंडेशन फैसलाबाद का कैंप है, यहाँ पे चरमाए कुर्बानी का कैंप भी है और उसके साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानी के लिए कैंप लगाया गया है। मरकज़ की तरफ से जो 5 गाय हमें मिली हैं उनका गोश्त किया जाएगा और मिलाद वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकार मौजूद हैं। कुर्बानी करने के बाद ये पसमानदा इलाकों में और कच्ची बस्तियों में जाएंगे और वो लोग जिनको गोश्त की ज़रूरत होती है ईद के मौके पर उनके घरों तक गोश्त पहुंचाया जाएगा। मिलाद वेलफेयर फाउंडेशन के कारकुनान एक एक घर में जाके ख़ुद ये गोश्त उन लोगों तक पहुंचाएंगे। मिलाद वेलफेयर फाउंडेशन इसी तरह पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं ये कुर्बानी का गोश्त पहुँचाती है। पाकिस्तान के हर ज़िला में ये कुर्बानियाँ हो रही हैं और हर ज़िला में कुर्बानियाँ पहुँचाई जा रही हैं। इस दफ़ा हमारे इलाके में यहाँ पर फैसलाबाद में जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें ये गोश्त पहुँचाने का बंदोबस्त किया गया है और अभी थोड़ी देर बाद ये लोग गोश्त बनाएंगे, ज़िबा करेंगे, कुर्बानी करेंगे अल्लाह के नाम पर और उसके बाद इसका गोश्त जो है वो तकसीम किया जाएगा। यहाँ पे मिलाद वेलफेयर फाउंडेशन का 3 रोज़ा कैंप यहाँ पे लगाया गया है। कारकुनान चरमा है कुर्बानी भी यहीं पर इकट्ठी करते हैं और उसके बाद इज्तिमाई कुर्बानियों को गोश्त करने के बाद तकसीम करने का इंतज़ाम भी यहीं पर किया गया है। एक एक को पकड़ें, एक एक को करके ज़िबा करें, बाकियों को बांध दें अभी एक तरफ और जिसको ज़िबा करना है उसको ले आएं। और असगर बांध दे, असगर वही लाया, असगर और लाओ पहले इन ले चल, लगे ले चल बांध दियो। ये मिलाद वेलफेयर फाउंडेशन की गाड़ी गोश्त की तकसीम के लिए कच्ची आबादियों में जा रही है। मिलाद वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकार हैं साथ और गोश्त लेके तकसीम करने के लिए, कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के लिए जा रहे हैं। Hello।
तलहा Thank you.